नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और आपका स्वागत है फार्माहर्ट्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे लैरिंगाइटिस के बारे में और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। लैरिंगाइटिस यानी कि आपके कंठ में यानी कि गले में सोथ हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से गला बैठने की समस्या, गले में दर्द निकलने की समस्या, आगे हम लोग सब डिटेल में बात करेंगे कि इसमें क्या लक्षण आते हैं और ये क्या बीमारी है और इसके ट्रीटमेंट में कौन कौन से मेडिसिन यूज़ करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं लैरिंगाइटिस के बारे में। दोस्तों, लैरिंगाइटिस के बारे में अगर बात की जाए तो ये लैरिंग्स का इन्फेक्शन होता है। लैरिंग्स के इन्फेक्शन में साथ में लैरिंग्स का मतलब वोकल कॉर्ड, यहाँ पे देखिए आपके गले में ये स्वर तंत्र होते हैं, स्वर तंतु भी बोलते हैं इसको, हम वोकल कॉर्ड बोलते हैं, और इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है या इसके आसपास की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है गले के आसपास की, उसमें इन्फ्लेमेशन, उसमें स्वेलिंग, उसमें पेन हो जाता है, जिसकी वजह से आपको गले में दर्द होता है। गले में दर्द के साथ साथ में और भी समस्याएँ होती हैं। रीज़न के बारे में बात करें, काजेज़ क्या होते हैं, तो पहली चीज़ तो ट्रामा होती है, अगर चोट लगी है किसी भी कंडीशन में तो ये कंडीशन आ सकती है। इसकी वजह से कई ज़्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन की वजह से लैरिंगाइटिस की समस्या होती है, यानी आपके लैरिंग्स में सोथ हो जाता है। कई बार एलर्जी की वजह से भी ऐसा होता है, ज़्यादा ठंड की वजह से होता है, ज़्यादा ठंडी चीज़ खाने से, ज़्यादा गर्म चीज़ खाने से भी आपको लैरिंगाइटिस की समस्या आ सकती है। अब अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे साइन और सिम्टम्स की, कि क्या सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं अगर आपको लैरिंगाइटिस की समस्या होती है, तो सबसे पहली चीज़ इसमें होती है गला बैठना। यानी देखो, जब हम चिल्लाते हैं बहुत तेज तो हमारा गला बैठ जाता है, क्योंकि तब होता है लैरिंगाइटिस। कैसे, जब हम चिल्लाते हैं तो स्वर तंत्र जो होते हैं, वोकल कॉर्ड जो होते हैं, उसमें कंपन बहुत तेज होता है, वाइब्रेशन होने की वजह से उनमें ट्रामा इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से आपका गला बैठ जाता है। तो गला बैठने की समस्या आ सकती है लैरिंगाइटिस में। दूसरी चीज़, बोलने में कठिनाई आ सकती है, बोलने में समस्या हो सकती है। थ्रॉट पेन, मेनली जो वोकल कॉर्ड का पेन होता है वो गले में आपके दर्द हो सकता है। इसके अलावा कफ, फीवर, कॉमन कोल्ड, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से लैरिंगाइटिस हुई है तो वहाँ पे खांसी आना संभव हो सकता है, फीवर हो सकता है और कॉमन कोल्ड की समस्या देखी जाती है। इसके अलावा निगलने में कठिनाई भी हो सकती है, यानी आप कुछ भी खाते हैं तो आपको निगलने में दिक्कत आती है लैरिंगाइटिस की समस्या में। दोस्तों, लैरिंगाइटिस की समस्या ज़्यादातर गर्मियों, सॉरी ठंडी में, यानी कि विंटर सीजन में, अभी के सीजन में जो है ज़्यादातर होती है। ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, उसके पहले दोस्तों हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस देखने चाहिए। कुछ मैं आपको इंस्ट्रक्शंस ऐसे ही बता दूं, तो पहली चीज़ तो आपको अपने वॉइस को रेस्ट देना चाहिए, आपको ज़्यादा चिल्लाना नहीं चाहिए, ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपके गले में और समस्या आ सकती है। इसके अलावा आपको भाप लेनी चाहिए, इनहेलेशन करना चाहिए, क्योंकि अगर आप भाप लेते हैं तो ऐसे में आपको जो लैरिंगाइटिस की समस्या आती है उससे निजात मिलती है, क्योंकि जो भाप होती है वो हमारे दर्द को भी दूर करती है, साथ में इन्फ्लेमेशन सूजन को भी दूर करती है। इसके अलावा आपको स्मोकिंग को ज़रूर अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग खतरनाक हो सकता है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो वो उसका जो कण होते हैं वो गले में जाकर के नुकसान कर सकते हैं, तो ये इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने हैं। अब अगर हम बात करें ट्रीटमेंट के बारे में दोस्तों, कि कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती है यहाँ पे, तो पहले सबसे हम यूज़ करते हैं एक एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक दो प्रकार के मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों में से आप एक यूज़ कर सकते हैं, दोनों यूज़ नहीं करना है। या तो आप मॉक्सिकैंट से भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर में एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लैविनेट होता है। तो एमोक्सिकैंट सी वी 625 एमजी की आती है, इसे आप बीडी यूज़ कर सकते हैं। ये दिन में दो बार यानी कि यूज़ करना है और 3 दिन तक इसे लेने की सलाह देते हैं। इसके स्थान पर अगर आपको ये टैबलेट यूज़ नहीं करनी है तो आप एजिथ्रोमाइसिन 500 एमजी ओडी यूज़ कर सकते हैं, यानी दिन में एक बार, और ये भी 3 दिन तक यूज़ की जाती है, 3 गोली आपको खानी होती है। इसके अलावा दर्द और अगर फीवर है, बुखार है और हल्का सा आपको कफ इत्यादि की समस्या है, दर्द की समस्या है, तो आप डाइनापार ले सकते हैं, जिसके अंदर में आपको डाइक्लोफिनेक्स सोडियम और पैरासीटामॉल मिलता है, जो दर्द और बुखार से राहत देता है। ये भी आपको सुबह शाम लेना है। साथ में दोस्तों एलर्जी के लिए भी मेडिसिन देते हैं, जिसमें 2 टैबलेट्स मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों में से आप एक यूज़ कर सकते हैं। एक है CPM यानी क्लोरफेनरामिन मैलिएट, 4 mg की टैबलेट आती है, ये BD यूज़ करना होता है, लेकिन अगर आप SR यूज़ कर रहे हैं तो इसे एक ही बार यूज़ करें। इसके स्थान पर, इसकी जगह पर आप यूज़ कर सकते हैं मोंटाल एल टैबलेट के अंदर में मोंटालुकास्ट एंड लिबोसिट्रिजीन होता है, तो ये दोनों चीज़ें इसमें मिली होती हैं, ये भी एलर्जी की बहुत अच्छी दवा होती है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं BD। इसके साथ में एक सिरप दिया जाता है, जो सिरप होता है दोस्तों ये एलर्जी को दूर करने का काम और खांसी को दूर करने का काम करता है। ये जो सिरप है यह है ग्रिलिनेक्टस, इसे आप 2 टीस्पून आप इसे यूज़ कर सकते हैं, 2 चम्मच सुबह और दोपहर शाम, दिन में 3 बार 2-2 चम्मच यानी 10-10 ml आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर में डेक्सटोमेथारफन एंड क्लोरफेनरामिन मैलिएट होता है, बाकी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको खांसी से निजात दिलाती हैं।
दोस्तों ये एक मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है जो लैरिंगाइटिस में यानी गले में दर्द, गले में इन्फ्लेमेशन, गला बैठना, गले के बैठने के साथ में आपको बुखार है, खांसी है, इन सब की कंडीशंस में इन सब सिम्टम्स को देखते हुए दिया जाता है। तो देखो अपने मन से दवा मत लेना, क्योंकि आपको जितने सिम्टम्स आ रहे हैं उतनी ही दवाएं दी जाती हैं, उतनी ही प्रकार की दवाई दी जाती है। अगर फीवर नहीं है और दर्द नहीं है तो आपको डाइनाफार नहीं दिया जाएगा। इसी तरह से इस वजह से डॉक्टर से ज़रूर मिले और उनसे कंसल्ट जरूर करें, उसके बाद ही मेडिसिन ले। दोस्तों ये था आज का छोटा सा वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात की लैरिंगाइटिस के बारे में, उसके ट्रीटमेंट में कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ होती है। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। दोस्तों आप हमारा हेल्थ मुखिया चैनल अगर अभी तक नहीं देखे तो जरूर देखिएगा, उस पर आपको हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोज मिल जाते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।